हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2023 और CRPF का थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए GK, साइंस, करंट अफेयर और हिंदी के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल ऑथेंटिक है। जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया ये पेपर है। मेरे किसी भी वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा, या 23 नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपका CGL, CHSL, MTS का पेपर होने वाला है तो जो हाल ही फिलहाल में जो SSC GD का पेपर समाप्त हुआ है उसका ऑल शिफ्ट का GK जिसका PDF आपको फ्री में लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। आज का CRPF का थर्ड शिफ्ट का पेपर काफ़ी हार्ड रहा, समझिए UPSC का पेपर था, ये CRPF का पेपर नहीं था। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। एक भी स्टूडेंट सही से क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे, एक भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे। बाकी आप क्वेश्चन देखना, उसके बाद बताना कि सही बात। आज UPSC भी फैल है आज के GK क्वेश्चन के सामने। एक प्रश्न था कि राष्ट्रपति संविधान ने किस भाग में आता है, तो अनुच्छेद राष्ट्रपति कितना है, 52 से 62, आप लोग जानते होंगे। जबकि भाग पूछा गया था भाग कितना था, भाग 5 में है। राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में आता है, भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, केंद्र शासित प्रदेश बोला है, राज्य का आपको बता दें हम, केरल हो जाएगा। सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में है। पुडुचेरी में, केंद्र शासित प्रदेश में, पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश में 1038 है। राज्य में केरल में है, 1038 से भी ज़्यादा है, ठीक है। वहीं आप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम बोल दें आपको तो लिंगानुपात दमन और द्वीप में 618 ही है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो चारों हम बता दिए, राज्य का भी सबसे ज़्यादा कम, केरल सबसे ज़्यादा, हरियाणा सबसे कम, और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी सबसे ज़्यादा और दमन और द्वीप कम। नेक्स्ट प्रश्न, शाहकुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है, शाहकुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारनौल के दक्षिण में स्थित शाहकुली खान का मकबरा 1774 से 1775 में बनवाया गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में विपक्षी सेनापति रेवाड़ी के हेमचंद उर्फ हेमू को पकड़ने में अहम भूमिका निभाने पर मुगल सम्राट अकबर ने शाहकुली खान को नारनौल की रियासत उपहार में दी थी, ठीक है। सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं ताकि आगे जिन भाई बहन का पेपर हो उनको हेल्प मिल सके। पंजाब में जो 5 नदी का ये है संगम ग्रुप है, तो ऑप्शन दिया हुआ था इनमें से कौन सा नहीं है, स्टूडेंट बता रहे थे बेतवा ऑप्शन में दिया हुआ था, बेतवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 में बेतवा नहीं आता है। 5 कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए झेलम, चेनाव, रावी, ब्यास और सतलज, यही 5 नदी है, जबकि बेतवा तो इसमें नहीं है। ऑप्शन बेतवा दिया हुआ था, वही आपको टिक करना था। 5 नदियों का प्रांत पंजाब है, वह पंजाब का नामकरण फारसी के 2 शब्दों से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनुरानी जो है वो कितना दूर भाला फेंकी थी, यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुरानी, जन्म 28 अगस्त 1992 मेरठ में हुआ है, एक भारतीय भाला फेंक एथलेटिक है और वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके ही नाम है। अनु वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 60 मीटर से अधिक की दूरी भाला फेंका है, पहली महिला है 60 से अधिक फेंकने वाली। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंक कर नया कीर्तिमान बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। दवाई वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, दवाई वाला अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन 100% हम एक्यूरेट नहीं लिख पाए, बस इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। सही उत्तर लखनऊ है, भारत में केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्था CDRI लखनऊ में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, इसके साथ एक क्वेश्चन और था वो क्वेश्चन नहीं मिला है, उसका आंसर भी अलग था, इसका भी आंसर अलग था। तो तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो का, किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाला गाँव कासगंज में हुआ था। उसने खुद को तोता ए हिंद कहा था, उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, वे निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य थे, ठीक है, सारा याद रखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक और टीना, देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि इससे बना वाद्य यंत्र और कर्नाटक में ज़्यादा चलता है, तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी टफ था, स्टूडेंट बता नहीं पा रहे थे कहाँ कहाँ से पता नहीं निकाला गया, ये क्वेश्चन है, आप लोग क्लियर करके कमेंट में बताना। तो आई होप
कि मृदंग दिया हुआ था ऑप्शन में, स्टूडेंट बता रहे थे कि यही आंसर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन भी पूरा एक्यूरेट नहीं मिल पाया। ये क्वेश्चन था कि कोई चीज़ मिला के वाद्यंत बन रहा था और कर्नाटक में प्रचलित है, तो आप बताना कन्फर्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। मक्खी नाक पर बैठना का अर्थ शायद पूछा गया था, तो इसका यदि पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आँच ना आने देना। कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि जल का विलोम शब्द पूछा गया था, तो थल निर्जल अग्नि हो जाएगा जल का विलोम शब्द। एक क्वेश्चन था कि केनरा बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020 को केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ था। ठीक है, मर्जर के बाद केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन एक्शन से क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पता नहीं थोड़ा सा बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ था, हम आपको बार बार बता रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटे लेने के लिए एक ऐतिहासिक घटना था। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन हम लोग को मिल पाया, बाकी इसके अतिरिक्त क्वेश्चन मिलने के बाद आपको PDF में शामिल कर दिया जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आप यदि इस शिफ्ट का पेपर देख के आ रहे हो, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले यदि आपका CGL, CHSL और MTS का पेपर होने वाला है, तो जो रिसेंट में SSC GD का पेपर समाप्त हुआ है, तो काफ़ी सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए थे और काफ़ी सारा क्वेश्चन है उसका, तो उसका आप फ्री में PDF चाहते हैं GKGS का, तो एक WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मैसेज करके ले सकते हैं। स्टूडेंट बता रहे थे इस शिफ्ट में मैथ का आपको बता दें, तो परसेंटेज और SICI से, एक स्टूडेंट बता रहा था परसेंटेज और SICI से मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन, परसेंटेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दिया हुआ था। ठीक है, SICI का भी काफ़ी था, रेशियो का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न थे। ठीक है, मैथ में आपको कर लेना है। एडवांस में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था, लगभग मेंसुरेशन से 2-3-4 क्वेश्चन, लेकिन इस शिफ्ट में थोड़ा सा कम था, 1 से 2 ही था। ठीक है, आगे हम आपको रीजनिंग का बताते हैं। रीजनिंग में बता दें आपको, तो सबसे पहले आप तो कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन 1 से 2 आ रहे हैं। ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी भी आ रहा है, स्टूडेंट बता रहे थे। ब्लड लेसन कर लेना, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मिनर इमेज से 2-3 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया, स्टूडेंट बताया 2 से 3 क्वेश्चन था, तो ये सब चैप्टर आप कर लेना। डाइस से क्वेश्चन नहीं था इसमें, बाकी पूछता है हर शिफ्ट में, लगभग कर लीजिएगा आप लोग। कैलेंडर क्लॉक में भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मेहनत पसंद आया हो तो 1 लाख चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे द्वारा इसी तरह से हर शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस कराया जाता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।